पहले ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट फंगस और अब येलो फंगस ने भी दस्तक दे दी है। कोरोना से जूझकर किसी तरह से ठीक होकर घर पहुंचने वालों के सामने अब एक और चैलेंज आ गया है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं अनकट। देश में कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बाद अब येलो फंगस ने भी दस्तक दे दी है। येलो फंगस का पहला मामला गाजियाबाद में देखने को मिला है। येलो फंगस अभी तक मरीजों में मिले ब्लैक और व्हाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। गाजियाबाद के जिस मरीज में येलो फंगस पाया गया उसकी उम्र 34 साल है और वह कोरोना से संक्रमित हो चुका है। इसके साथ ही वह डायबिटीज से भी पीड़ित है। येलो फंगस ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक है और घातक बीमारियों में से एक है। येलो फंगस पहले शरीर को अंदर से कमजोर करता है। येलो फंगस से पीड़ित मरीज को सुस्ती लगना, कम भूख लगना या फिर बिल्कुल भूख खत्म होने की शिकायत रहती है। फंगस का असर जैसे जैसे बढ़ता है मरीज का वजन तेजी से कम होने लगता है और यह काफ़ी घातक हो जाता है। अगर इस दौरान कोई और घाव है तो घाव बहुत ही धीरे हील होता है या हील होने में काफ़ी टाइम लगता है। इस दौरान मरीज की आंखें धंस जाती हैं और कई अंग काम करना बंद कर देते हैं, पैरालिसिस टाइप की कंडीशन आ जाती है। अगर किसी मरीज को काफ़ी समय से सुस्ती लग रही है, कम भूख लगती है या फिर खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे में तुरंत डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। इसका एकमात्र इलाज एम्फोथ्रेसिन वी इंजेक्शन है जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल है। कहा जा रहा है कि येलो फंगस बाकी दोनों फंगल यानी ब्लैक और व्हाइट फंगस से ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये घातक बीमारी शरीर के अंदर शुरू होती है और काफ़ी बाद में इसके लक्षण बाहर दिखाई देते हैं। ऐसे में लक्षण दिखते ही तत्काल ट्रीटमेंट शुरू करने में दिक्कत होती है। बाकी दोनों फंगस की तरह येलो फंगस का संक्रमण होने के पीछे का कारण भी गंदगी और नमी ही बताई जा रही है, लिहाजा अपने घर के अंदर और आसपास सफाई रखें। बैक्टीरिया और फंगस को विकसित होने से रोकने के लिए जितनी जल्दी हो सके पुराने खाद्य पदार्थों या ईटिंग प्रोडक्ट्स को हटा दें। इसके अलावा घर में नमी होना भी बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ावा देता है। घर में नमी को चेक करते रहें इसके लिए सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन है, 30-40% के आसपास होने चाहिए। इससे पहले देश में ब्लैक फंगस ने दस्तक दी थी जिसकी मोर्टेलिटी रेट 50% है। फिर आया व्हाइट फंगस, इसकी भी मोर्टेलिटी रेट 50% से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन येलो फंगस इन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसकी मोर्टेलिटी रेट भी इससे कहीं ज़्यादा है, करीब 65% के आसपास है। इन तमाम फंगस को अब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सिलेंडर के इस्तेमाल से जोड़कर देखा जा रहा है। एम्स के रूमेटोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर उमा कुमार ने ट्वीट कर कहा कि गठिया के लाखों मरीजों में स्टेराइड का इस्तेमाल कई सप्ताह तक होता है, लेकिन ब्लैक फंगस संक्रमण इतना पहले कभी नहीं देखा गया। इसके बाद कई डॉक्टरों ने ट्वीट कर संक्रमित औद्योगिक ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल व औद्योगिक ऑक्सीजन के इस्तेमाल को भी एक कारण बताया है। डॉक्टर कहते हैं कि औद्योगिक ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन की तरह पूरी तरह शुद्ध नहीं होते। संभावना है कि मेडिकल ऑक्सीजन की कमी होने पर औद्योगिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया था, इस वजह से उसके इस्तेमाल से संक्रमण हो सकता है। येलो फंगस पे अभी आगे जो भी जानकारी आएगी हम आपको उससे अपडेट करेंगे। आप देख रहे थे अनकट। शुक्रिया।